अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां महिला थाने की पहल चर्चा में है। यहां एक एएसआई ने चाइल्ड लीव मांगी तो थाने को फूलों और गुब्बारों से सजा दिया गया। उनको लीव पर भेजने से पहले गोद भराई की रस्म पूरी की गई। फरियादियों की आवाजाही से भरा रहने वाला महिला थाना फूलों से सजाया गया। चारों ओर गुब्बारे लगाए गए। पूरे स्टाफ ने खुशियां मनाई। दरअसल ये मौका एसआई की गोद भराई की रस्म का था। एसआई ने चाइल्ड लीव मांगी तो उनको लीव के साथ खुशियां भी दी गई। थाने का पूरा स्टाफ उनका मायका बना एसआई करिश्मा राजावत ग्वालियर की रहने वाली हैं। उनका 8वां महीना है। इस माह में गर्भवती महिला किसी भी तरह की यात्रा नहीं कर सकती। इसको देखते हुए करिश्मा ने टीआई अनीता ध्रुवे को चाइल्ड लीव का आवेदन दिया था। उन्होंने इसे मंजूरी दी और महिला थाने में गोद भराई रस्म भी करा दी। 1 घंटे चले कार्यक्रम में पूरा स्टाफ करिश्मा का मायका बन गया। एसआई अनीता रघुवंशी ने मां बनकर उसकी गोद भराई की रस्म शुरू की। आरक्षक प्रदीप शर्मा ने भाई बनकर फलों से गोद भरकर रस्म पूरी की। स्टाफ में शामिल 25 महिला कर्मचारियों ने बहन, सहेली और अन्य रिश्तेदारों की भूमिका निभाई। 13 पुरुषों ने मायके वाले बनकर अपना दायित्व पूरा किया। एसआई करिश्मा ने कहा कि वे कुछ पल के लिए थाने को भूल गई थी। उन्हें लगा कि वे मायके में हैं। उनका शानदार वेलकम हुआ। टीआई अनीता ध्रुवे ने हाथ पकड़कर वैसे ही प्रवेश कराया जैसे मायके में बहने कराती हैं। एसीपी महिला सुरक्षा निधि सक्सेना ने कहा कि पुलिस में ड्यूटी करने वाले अधिकारी संवेदनशील हैं। पुलिस कर्मचारी अपना ज्यादा वक्त थाने में गुजारते हैं। उनकी खुशियां और दुख में पुलिस परिवार उनके साथ है। गोद भराई की रस्म अनोखी पहल का हिस्सा है जो यह दिखाती है कि पुलिस प्रशासन अधीनस्थ स्टाफ के साथ है। महिला पुलिस अफसरों ने कहा कि अप्रैल 2022 को हुए वर्टिकल इंटर एक्शन सेमिनार उड़ान में आए सुझावों को गंभीरता से लिया जा रहा है। महिला पुलिस कर्मियों को लीव पर जाने के पहले कई बार सोचना पड़ता था। उन्हें परिवार, ड्यूटी और लीव मंजूर कराने तनाव से गुजरना पड़ता था। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।